लगातार आप देख रहे हैं दर्शकों, सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं और धुआंधार इनका चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। आज गिद्धौर में है, गिद्धौर में भी आज हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं ये हार्ट सर्जन भी है, हम आज ये जानना भी चाहेंगे कि कई कई बड़े बड़े नेताओं का इन्होंने हार्ट सर्जरी किया है या फिर जनता के दिलों पर राज करने आए। जिस प्रकार विकल्प के रूप में जम्मू की धरती पे अपना किस्मत आजमा रहे और अच्छी खासी भीड़ हर सभा में आ रही, कहीं न कहीं बदलाव का संकेत देखने को मिल रहा है। किस तरह इन्होंने कहा कि मैं यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए आया हूँ, कहने का साफ अर्थ है कि दलितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, तमाम लोगों को वो अधिकार दिलाने आया हूँ, उन माँ बहन को शिक्षित बनाने आया हूँ, बेटियों को स्कूल भेजने आया हूँ, बोलो लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आया हूँ जो वर्षों से वंचित है। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश जुड़े, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ होगा सर। हमारे साथ लोकतांत्रिक समाज न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हैं डॉक्टर जगदीश सर, कैसा रहा कार्यक्रम धुआंधार सर आपका चुनावी प्रचार चल रहा है? देखिए, हमें खुशी की बात है कि काफ़ी लोग आए और हमारी बात सुने और आपने जैसा सवाल किया है कि आप यहाँ पर सिस्टम में व्यवस्था को बदलने आए। हमारा देश के आज़ाद हुए 76 साल हो गए और हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम अमृत उत्सव मना रहे हैं। अमृत उत्सव किसके लिए है? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है या जनता के लिए है? ये मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि आप देखिए कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की आबादी करीब करीब 40 करोड़ से नीचे था, 35 करोड़। आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ के बराबर और 83 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, यानी 83 करोड़ लोग गरीब हो गए। इन्होंने झूठा वादा करके हमारे लोगों को ठग करके, सारे नेता ठगते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से हम लोगों को ठगता ही आ रहा है। कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, 15 लाख रुपया सबको देंगे, स्वस्थ भारत करेंगे, लेकिन आज भी वाल्मीकि समाज हमारे मैनुअल स्कैवेंजर है। आज भी रेलवे ट्रैक पर देखिए मैट्रिक टन मल गिरते हैं और हमारे समाज के लोग अपने हाथों से साफ करते हैं। तो कहाँ है भाई स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत? आपने कहा कि हम घर बना देंगे, कितने हमारे, हम तो देख रहे हैं कि दौर में कि हमारे आधा जनता के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो घर भी नहीं बनाए। और तो और इन्होंने नौकरियां ख़त्म कर दी। सर, हम कैसी से पैसा लेना जाता है तो उसकी मानसिकता जो है गिरती है। ये अच्छी बात नहीं है कि अनाज दे करके हम लोगों पर भलाई कर रहे हैं, वो हमारे अनाज दे करके हमारे लोगों को दिमाग को दबा रहे हैं, दिमाग को उनको नपुंसक बना रहे हैं, मतलब काम नहीं कर, नपुंसक तो ठीक नहीं है, लाचार बना रहे हैं कि काम नहीं करें, मानसिक गुलाम बना रहे हैं। अगर वो काम देते तो आदमी में एक स्वाभिमान जगता, उनके स्वाभिमान को धक्का दे रहे हैं। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर, इन्होंने तेज ट्रेन चलाया, ये बोलते हैं कि हमने एयरपोर्ट बना दिया, कितने लोग हमारे एयरपोर्ट चढ़ते हैं भाई? अरे देश में पहले खाना तो दो, कपड़ा तो दो, शिक्षा तो दो, स्वास्थ्य तो ठीक करो, फिर तुम प्लेन बना लो, एरोप्लेन बना लो, तेज ट्रेन बना लो, बुलेट ट्रेन बना लो, जो बनाना है बना लो, डिजिटल इंडिया कर दो। लेकिन पहले गरीब को खाना ठीक से दो, कपड़े ठीक से दो, रहने का घर ठीक से दो, उनके बच्चों की पढ़ाई बंद करो। आप यही देखिए, आपको याद होगा कोविड के टाइम में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर से तो लोगों के लाने के लिए प्लेन भेज रहे थे इंडिया से, और हमारे मजदूर लोगों को अपने देश में आने के लिए इन्होंने ट्रेन बंद कर दिया, जिसके कारण रास्ते में बहुत से लोग भूखे मर गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी का दिमाग में जरा सा भी, थोड़ा सा भी गरीबों के लिए दर्द होता तो ये काम नहीं करते, उनको वहीं पर रखते, उनको 5,000 रुपया देते और कोरोना भी नहीं फैलता और गरीब लोग मरते भी नहीं। सर, आप देश के टॉप मोस्ट सर्जन में से, हार्ट सर्जन से, तो क्या किसी नेता के भी आपने सर्जरी की है क्या सर? नेता का किसी नेता भी हार्ट पेशेंट, जो कई नेता हार्ट पेशेंट हैं, आप टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजी हैं? बहुत सारे नेता को तो
नेता को भी किए हैं, नेता के रिलेटिवों को बहुत सारे लोग रिलेटिव किए हैं। मतलब हम समझते हैं कि 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके होंगे, मेजर ऑपरेशन तो हमने तो किया है सर। आपने 5000 से ज़्यादा लोगों का मेजर ऑपरेशन करके जिंदगी दी, आप समाज के वंचित लोगों को नई जिंदगी देने का प्रयास करें, क्या मैं सही हूं सर? मैंने देखिए, जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर मैंने हार्ट सर्जरी सारे गरीब लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। आज आप चले जाइए सफदर अस्पताल में, जहाँ पर मैं प्रिंसिपल था, डायरेक्टर था, एमएस था, और मैं भारत सरकार का डायरेक्टर जनरल भी था। उस पीरियड में मैंने सफदरजंग में एक नियम पास किया कि यहाँ पर आने वाले हार्ट के मरीजों को ऑपरेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और आज वहाँ पर किसी मरीज को पैसा देना नहीं पड़ता। तो अगर मैं एक छोटा सा डायरेक्टर जनरल होकर के इतना बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ, अगर मुझे जनता, जम्मू की जनता मुझे अगर संसद बनाए, तो मैं ये जनता मुझे नहीं कि सारे नेताओं के लिए एक अच्छी सीख हो जाएगी कि एक संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कर सकता है और मैं क्या नहीं करने आया हूँ। मैं गरीब को गरीब होने से रोकने आया हूँ, एक सिस्टम बनाने आया हूँ ताकि धार जो है ऐसा चल पड़े कि नेक्स्ट जनरेशन गरीब का गरीबी मजदूरी नहीं करे। सरकारों ने बनाई, सभी सरकारों ने के संपत्ति को धीरे धीरे करके हमारा मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार बेचना शुरू कर दिए हैं, और करीब करीब और कुछ लोगों के हाथों बेच रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि जिसका दाम 10 करोड़ अगर है तो उसको ये 2 करोड़ में बेच रहे हैं। तो इन्होंने देश के सरकारी अमीरों को अनुदान तो नहीं दे रहे थे? बिल्कुल दे रहे हैं अनुदान। ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सरकार जो है अदानी अम्बानी बड़े लोगों के हाथ में चला जाए और गरीब लोग को हम भीख देता रहे। तभी तो ये बोलते हैं कि हम 5 साल तक अनाज और देंगे। क्यों देंगे भाई? क्या आप इन लोगों को गरीबी से उभारना नहीं चाहते? इसका मतलब यह होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लोगों को गरीबी से नहीं उभारना चाहते। देखिए, मैं तो उनको क्या, मैं तो सभी नेताओं को बोलता हूँ, सारे नेता हमारे गूंगे हैं या बहरे हैं, नहीं तो वो रोकते प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश की संपत्ति को आप नहीं बेच सकते हैं। आज देखिए पेट्रोल कहाँ चला गया, आज दाल चावल चीनी तेल का महंगाई कितनी बढ़ गई, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार। 5 किलो अनाज दिया जाता है एक परिवार में, अगर कम से कम 5 लोग हैं, 5 सदस्य परिवार है, तो क्या 5 किलो अनाज में पूरा महीना चलेगा? मैं कहता हूँ 5 किलो का 10 किलो भी दें, क्यों दें, क्यों नहीं काम देते हैं? मेरा सवाल ये है सरकार से, काम दो, मेरे लोगों को भीख नहीं दो, मेरे लोगों को काम दो, मनरेगा का पैसा बढ़ाओ और हमारे गरीब बच्चों को उसी तरह के स्कूल में पढ़ाओ जिस तरह से तो हमारे पैसे वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीबी होने का मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े। गरीब को गरीब रहने दिया और अमीर को अमीर बनाना गया, यही कारण है। तो मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए, मेरे परिवार को अनाज दे करके उनके मानसिकता को। नाम कपिल देव रविदास। कपिल जी, क्या होगा इस बार? इस बार डॉक्टर साहब जैसे लोगों को, गरीबों की मसीहा बनकर आए, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन 45 मिनट 52 सेकेंड लगाए थे, 68,000 व्यय हुई थी और संविधान बनाकर हमारे पूरे भारतवासियों के लिए एक उपहार दिए थे ताकि संसद भवन एवं पार्लियामेंट चले, उसी प्रकार हमारे अगर जम्मू जिला की गरीबों की अगर तकदीर बदल सकती है तो मुझे विश्वास अपने हृदय से होता है कि डॉक्टर साहब के द्वारा ही हो सकता है। धन्यवाद। और सबसे मेरी प्रार्थना है गरीबों से, मैं एक गरीब की बच्चा हूँ, लाचार हूँ, ताकि डॉक्टर साहब की जो चिन्ह मिले सब गरीब मिलकर के उनको एक बार वोट दें, उनके आशीर्वाद हो और हम लोग की जन्म की जो है सफलता मिले। सुनिए, जिस तरह से आज आए हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, क्या कुछ लग रहा है? जी, लग रहा है कि ये कुछ अनहोनी होने वाला है जमुई लोकसभा में, और हम लोग यही चाहते हैं, जमुई के जनताओं से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, जनता युवाओं से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह देश का भविष्य
यानी देखा जाए आगे उसी तरह हमारे जगदीश बाबू, डॉक्टर साहब जगदीश बाबू हैं, और सभी जनताओं सभी युवाओं से मैं चाहूँगा कि एक एक अपना कीमती वोट इनका देके और गरीबी दूर करे या विकास और शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़े, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब में क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है क्योंकि ये तो हर चीज़ का ऑपरेशन कर चुके हैं, तो इस बार ये राजनीति का ऑपरेशन करेंगे, लोकसभा का ऑपरेशन करेंगे, लोकसभा का ऑपरेशन करेंगे, लोकसभा में सांसदों का ऑपरेशन करेंगे, किस प्रकार से विकास किया जाता है अपने क्षेत्र में। क्योंकि हम लोग जो भी आज तक सांसद चुने हैं वो कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ कोटा का कुछ फंड अपना क्षेत्र में दे के हम लोग को बहला देते हैं। हवा हवा ही सांसद है जी, हवा हवा ही सांसद है। चल ठीक, बिरसा मुंडा अमर रहे, डॉक्टर साहब अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, सोना और वो दशरथ मानिया ने करके दिखाया, और मैं सभी माताओं का अपने से कोशिश करूंगा, कहूंगा अपने महापुरुषों का तस्वीर आप जरूर, हमको नहीं लगता।